मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसका एक बहुत ही बुरी आदत है बस, ठीक है, जब देखो नुक्स निकालते रहता है। एक्चुअली नुक्स नहीं निकालता है, जब भी मैं गलती करता हूं ना तो मेरे को बता देता है, मुझे बुरा लगता है, लेकिन वो बुरा दोस्त है क्या? देखा जाए तो एक्चुअली वो अच्छा ही दोस्त है ना मेरा। आपको क्या लगता है? हमारे एक्वेरियम्स में जो एल्गे है ना, हमारा वैसा ही दोस्त है। हमें एक्वेरियम में हम जो गलती कर रहे हैं वो बताता है। एल्गे एक सिम्टम है, एल्गे हमें बताता है कि एक्वेरियम में हमने क्या गलती की है। तो एक्चुअली एल्गे हमारा दोस्त है, एल्गे बुरा नहीं है, अच्छा दोस्त है, ठीक है। ऐसा दोस्त जो चाहता है कि हमारा एक्वेरियम अच्छा हो। सोचो, सो ये हमारा एल्गे के बारे में तीसरा वीडियो है। पहले तो इंट्रो था, दूसरा हमने डायोटॉम्स के बारे में आपने देखा और हमने बनाया, ये तीसरा जितने भी ग्रीन एल्गे हैं, ग्रीन स्पॉट, ग्रीन डस्ट एंड ग्रीन हेयर एल्गे के बारे में है। ये तीनों एल्गे का रीजंस, मतलब आने का रीजंस सेम है, इसका करेक्शंस भी बहुत सिमिलर है, सेम है, एंड इसको कंट्रोल कैसे करते हैं वो भी बहुत ही सिमिलर है, सेम है, मैं आपको बताता हूं। सो जब भी मैं ये वीडियो में आपको बता रहा हूं कि एल्गे क्यों आया, कैसे आया, कब आएगा, या इसका कंट्रोल का मेथड क्या है, तो मैं तीनों एल्गे का सॉल्यूशंस और कॉजेस बता रहा हूं, तीनों ग्रीन स्पॉट, ग्रीन डस्ट एंड ग्रीन हेयर एल्गे, ये तीनों का बहुत सिमिलर है, तो एक ही वीडियो में डाल के मैं आपको बता रहा हूं। ओके, याद है ना, एल्गे का पूरा एक सीरीज है, YouTube में एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो आप अपने एक्वेरियम में जो भी एल्गे है वो देख के हमारे वीडियो के हिसाब से उसका रीजंस, कॉजेस एंड कंट्रोल सॉल्यूशंस देख सकते हैं। यहां पे मैं आपको याद दिला दूं कि हर एक टैंक में, दुनिया के हर एक टैंक में एल्गे है, होना भी चाहिए, होगा ही। एल्गे अगर है तो हमारे टैंक में प्रॉब्लम क्या है वो हम जान सकते हैं, एंड सो एल्गे अगेन दोस्त है ना हमारा, करेक्ट। कोई भी चीज को करेक्ट करना है, कंट्रोल करना है या बदलना है तो पहले उस चीज को समझो। तो ये ग्रीन डस्ट एल्गे, ग्रीन एल्गे या ग्रीन स्पॉट एल्गे एंड ग्रीन हेयर एल्गे क्या है? नाउ ये जितने भी ग्रीन वाले एल्गे हैं ना, ये हमारे टैंक के बिल्डिंग के प्रोसेस में दूसरा आता है, मतलब पहले डायोटॉम्स आएगा, फिर जो भी ग्रीन एल्गे आएगा उसमें हो सकता है डायोटॉम जाते जाते अगर पूरा टैंक का न्यूट्रिएंट्स कम नहीं हुआ है, करेक्ट नहीं हुआ है, आप अभी भी ओवर फीड कर रहे हो, ओवर न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हो या लाइट ज्यादा डाल रहे हो, तो आपको ग्रीन डस्ट एल्गे आएगा, दिखेगा डायोटॉम जैसा ही, आप ऐसा साफ कर दिया तो निकल भी जाएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है निकालना, बट वापस आ जाएगा एक हफ्ते में वाटर चेंज के बाद, वन वीक वापस आएगा। ग्रीन स्पॉट एल्गे जो है यूजुअली ग्लास में आएगा, ग्लास के ऊपर दिखेगा, अगेन लाइटिंग, न्यूट्रिएंट्स मेजर कॉज। ग्रीन हेयर एल्गे जो है ग्लास में भी आएगा और प्लांट्स के ऊपर भी आएगा, देखो ऐसा। नाउ आप सब सोच रहे हो कि ये टैंक में इतना एल्गे कैसा है, वो मैं बताऊंगा आपको, ये एल्गे क्यों आया, क्यों आ रहा है, रीजन, कॉज एंड इसका सोल्यूशन भी मैं बताने वाला हूं। ओके, तो देखते रहो बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज इसका कॉज बहुत यूनिक है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि अरे ऐसे वजह से भी एल्गे आता है, एंड इसका कंट्रोल मैं वो भी बताऊंगा। ओके, सो मेजर कॉजेज जो है ग्रीन स्पॉट, ग्रीन डस्ट और ग्रीन हेयर एल्गे के लिए, फर्स्ट लाइट,
अगर लाइटिंग आवर ज्यादा है, अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है एंड अगर लाइट प्लांटेंट टैंक के लिए नहीं है, तो ये तीनों आ सकते हैं, ये तीनों एल्गे आ सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड, अगर आप ओवरफीड कर रहे हो, फिश को ओवरफीड कर रहे हो, लेकिन वो वेस्ट फूड टैंक में ही है, फिल्टर ठीक से नहीं हो रहा है, राइट, मतलब वो कचरा बाहर नहीं जा रहा है और आप भी एक्सेस फूड निकाल नहीं रहे हो, तो भी ये तीनों एल्गे आ सकते हैं। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ओवरडोजिंग कर रहे हो फर्टिलाइजर का, या आप कोई गलत फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूं। सिंपल, अगर आपके टैंक में अनुबियास फर्न्स है, इजी ग्रोइंग प्लांट्स, एक्चुअली नॉट सो इजी बट बोलने के लिए इजी ग्रोइंग प्लांट्स, एंड अगर हम कोई हाई डोसेज वाला फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो देन हेयर एल्गे आएगा, बिकॉज प्लांट उतना ग्रोथ नहीं है, प्लांट स्लो ग्रोइंग है, बट न्यूट्रिएंट्स हमने ज्यादा डाल दिया है, तो हेयर एल्गे आने की गुंजाइश है, या ग्रीन एल्गे या ग्रीन स्पॉट एल्गे। बहुत सारे हॉबीस्ट को लगता है कि प्लांट्स को हम स्लोली स्लोली ग्रो कर सकते हैं, या दो दो प्लांट लिया वो ग्रो करेगा, वो बढ़ेगा करके सोचते हैं। अगर प्लांटेड टैंक बना रहे हो तो हैवीली प्लांट करो स्टार्टिंग में, बिकॉज अगर प्लांट कम, सॉइल ज़्यादा, न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, तो अगेन एल्गे आने की गुंजाइश, एंड ज़्यादातर हेयर एल्गे या ग्रीन स्पॉट एल्गे ही आता है इसमें। एंड नाउ अगेन मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा, पहला डायोटोम आएगा, फिर जो भी ग्रीन वगैरह एल्गे आएगा, एंड बिकॉज आपको एक मौका मिल रहा है लाइट फर्टिलाइजर, न्यूट्रिएंट लेवल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट CO2 को सब बैलेंस में लेके आए। नाउ CO2 अगर ज्यादा है या कम है, दोनों सिचुएशन में आपको एल्गे आएगा, बिकॉज अगेन इम्बैलेंस है। तो इन पांचों चीजों को आपको बैलेंस करना है। पांच कैसे, मैंने चार ही बोला ना, लाइट, फर्टिलाइजर, ओके, CO2, फूड, ओके, फिल्ट्रेशन पांचवा नहीं है बिकॉज मैंने फूड ऐड किया है, पांचवा है सॉइल। सो अगर आपका सॉइल का न्यूट्रिएंट लेवल करेक्ट नहीं है, ज्यादा है या कम है, तब भी आपको ये तीनों एल्गे नजर आएंगे। कोई एक भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल। ग्रीन डस्ट और ग्रीन स्पॉट, अगर आपने थोड़ा बहुत लाइट करेक्शन किया, वाटर पैरामीटर्स चेक किया, ओके, तो जल्दी निकल सकता है। ग्रीन हेयर एल्गे के लिए थोड़ा बहुत मेहनत है, उसके लिए आपको थोड़ा और देखना पड़ेगा। नाउ ऑल्सो स्मॉलर कॉजेस, अगर आपने ओवर स्टॉक कर दिया फिश, तो भी एल्गे आ सकता है, बिकॉज आप ओवर फीड करोगे, ओवर पूप बनेगा एंड फिल्ट्रेशन ठीक नहीं होगा, ओके, तो देन एल्गे आने की गुंजाइश। देन वाटर पैरामीटर्स, ओके, पीएच करेक्ट होना चाहिए, टेम्परेचर करेक्ट होना चाहिए, ये सब भी एल्गे कॉज हो सकता है। सिंपल बात, जैसे अगर आपका एक्वेरियम आपके विंडो के बाजू में है और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सनलाइट आता है, ओके, तो एल्गे आएगा, वो भी ग्रीन वाला ही आएगा, वाटर भी पूरा ग्रीन हो सकता है। नाउ ये वाटर ग्रीन का एक और वीडियो अलग से बनेगा, बिकॉज बहुत सारे व्यूअर्स है जिनके पॉन्ड है और पानी ग्रीन हो जाता है, उसका करेक्शन मैं बताऊंगा, बहुत यूनिक वीडियो बनेगा, जुड़े रहो। सो वो सिचुएशन में जहां पे आपका टैंक विंडो के बाजू में है, एल्गे आने वाला है। नाउ चलो विंडो पूरा ब्लैक कर दिया हमने, ओके, लाइट कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप गर्म जगहों में रहते हो, जैसे चेन्नई हो, मुंबई हो या दिल्ली हो, जहां पे हीट आएगा थ्रू द ग्लास, तभी भी एल्गे आने वाला है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि पीछे ग्लास है, मैं उसको ब्लैक पेपर डाल दूंगा, कुछ नहीं होने वाला, नहीं, हीट के वजह से भी, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के वजह से भी एल्गे आता है। नाउ ये एल्गे आने के इतने सारे कॉजेस, तो कंट्रोल बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है, लाइट कंट्रोल करो, फर्टिलाइजर कंट्रोल करो, सही CO2, सही फिल्ट्रेशन, एंड खाना खिलाना एंड फिश स्टॉक आपके हाथ में है, तो वो सब आप कंट्रोल करोगे, बैलेंस में लाओगे, तो आपको एक एल्गे फ्री टैंक मिल सकता है। नाउ
इन सारे ग्रीन एल्गे को फाइट करने के लिए हमारे पास कुछ एल्गे वॉरियर्स हैं, जैसे कि चेरी श्रिम्प या कोई भी नियोकार्डिना स्पीशीज या कार्डिना स्पीशीज जैसे अमानो श्रिम्प, ऑटोसिंक्लेस, ये सब हमारे मददगार हैं और दोस्त भी है एल्गे कंट्रोल में, ठीक है। और एडिशनली अगर कोई डेड एंड डी के मैटर है, कोई फिश मर गया तो वो भी खा लेते हैं, तो ये एल्गे कंट्रोल में बहुत मदद करते हैं। नाउ कंट्रोल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पहले जैसे ये टैंक ही ले लो, ओके। ओवरग्रोथ जब प्लांट्स होता है तो उधर डेड एंड डी के लीव्स हो जाते हैं, ठीक है, लीव्स गिरते हैं तो कचरा बढ़ रहा है, ठीक है, कचरा बढ़ेगा तो टैंक में एल्गे होने वाला है, तो कॉन्स्टेंट ट्रिमिंग होना बहुत जरूरी है। मेंटेनेंस करते टाइम आप छोटा सा एक साइफन पाइप यूज करके इसके वो अंदर भी कचरा रहता है, ओके, ये जो कारपेट है इसके अंदर कचरा रहता है वो निकालना चाहिए, ओके, हम लोग डेट्रिटिस बोलते हैं वो भी निकलना चाहिए, ब्राउन कलर डस्ट जैसा रहता है निकलना चाहिए। प्लांट्स के बीच में हाथ हिला के साइफन पाइप यूज करके जो भी कचरा है निकलना चाहिए। पीछे के जो स्टेम प्लांट्स है उसके बीच में भी जाके जितना हो सकता है कचरा निकलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आपका मेंटेनेंस स्केड्यूल, मेंटेनेंस टाइमिंग और मेंटेनेंस का तरीका अगर सही है एंड अच्छा है तो आपको एल्गे फ्री टैंक मिल सकता है। नो, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हेयर एल्गे निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ओके, थोड़ा बहुत मेहनत लगता है, ऑफकोर्स मेंटेनेंस, क्लीनिंग, वाटर पैरामीटर्स, लाइटिंग आवर्स, लाइटिंग टाइम, आपका यू नो वो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर डोजिंग, ये सब बैलेंस होना चाहिए। बट अगर आपका ये एल्गे ग्रोथ ज्यादा हो गया तो देन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है ब्लैकआउट का। ब्लैकआउट का मतलब लाइट ऑफ, फर्टिलाइजर स्टॉप, CO2 स्टॉप, ओके, एंड टैंक को पूरा कवर कर दो ताकि किधर से भी लाइट ना आए। नाउ इसमें क्या होता है, आप पूरा टैंक को रीसेट कर रहे हो, जैसे हम कंप्यूटर को रीसेट करते हैं, फोन को रीसेट करते हैं, वैसे ही टैंक को आप रीसेट कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज आपने सब कुछ स्टॉप कर दिया, वो जीरो पे नहीं आता है बट रीसेट होता है। एक हफ्ते से ज्यादा नहीं करना है बिकॉज वो एक हफ्ते में प्लांट्स में थोड़ा बहुत ताकत रहता है एंड रह जाते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे तो देन प्लांट्स मुरझाने लगेंगे बिकॉज CO2 भी नहीं है कुछ, फर्टिलाइजर भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम होगा। तो 1 वीक आप अगर ब्लैकआउट करना चाहो तो आप कर सकते हो, जिससे एल्गे मर जाएगा बट जब हम रीस्टार्ट करेंगे तो फर्टिलाइजर, लाइट, लाइट का टाइमिंग, वो सब हम बैलेंस करके, CO2 तीनों बैलेंस करके हम टैंक को रीस्टार्ट कर सकते हैं एंड होपफुली एल्गे का प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगा। नाउ दिस इज अ ट्रिक हम लोग हॉबीइस्ट यूज करते हैं, बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हो। सो फाइनली ये टैंक पे आते हैं। ये टैंक में अभी इतने दिन बाद या इतने साल बाद ऐसा क्यों हेयर एल्गे आ रहा है इज समथिंग, थोड़ा ये टैंक के हिस्ट्री के बारे में समझना है। हिस्ट्री मतलब बहुत पुराना नहीं है, कोई वो 1947 वाला नहीं है, 2018 वाला है। 2018 अक्टूबर में ये टैंक सेट हुआ था। नाउ 2018 अक्टूबर से 2018 टू 2019 टू 2020 2021 नाउ 2022 अक्टूबर होने में एक 2-3 महीना है, तो ऑलमोस्ट 5 साल। 5 साल में हमने ये सॉइल या सेटअप चेंज नहीं किया है। पहले हमने इसमें रोप्स डाले थे, रोप वाइंस डाले थे एक डिफरेंट लुक के लिए, फिर हमने वो रोप्स निकाल दिए, सिर्फ ये उंजान स्टोन के साथ हमने वो बीच में पाथ बनाया था वो था, फिर अभी जैसा है वैसा है। बट 5 साल में कुछ कुछ टाइम्स में हमने थोड़ा बहुत सॉइल टॉपअप किया है लेकिन बेस सॉइल हमने चेंज नहीं किया है। नो, यहां पे सॉइल हमने ADA का यूज किया था एंड ADA वाले खुद बोलते हैं कि उनका सॉइल का लाइफ 2-3 साल है, बट ये 5 साल होने आया है, तो उसके हिसाब से कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू रह नहीं गया है सॉइल में। तो हमने क्या किया वो बैलेंस करने के लिए, गलती है,
गलती है, बट मैं बता रहा हूं, हमने फर्टिलाइजर एक्स्ट्रा किया। नाउ वो गलती इसलिए है बिकॉज हमारा सोच था कि अगर हम फर्टिलाइजर बढ़ा देंगे तो ये न्यूट्रिटिव लेवल इंक्रीज हो सकता है। नहीं, फर्टिलाइजर अलग न्यूट्रिटिव लेवल्स है, अलग न्यूट्रिशन देता है, सॉइल अलग न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, तो वो बैलेंस करना मुश्किल होगा। सो उसके वजह से यहां पे हेयर एल्गे का ग्रोथ हुआ है, बिकॉज प्लांट्स जो भी है वो फर्टिलाइजर जो हम ऐड कर रहे हैं जितना चाहिए लेके बहुत सारा बच जाता है, तो वो यहां पे उसका असर आपको दिख रहा है, बिकॉज लाइट चेंज नहीं हुआ, फिल्ट्रेशन चेंज नहीं हुआ, मेंटेनेंस तो हमारे संदीप भाई सुपर करते हैं, बेस्ट, बट प्रॉब्लम फर्टिलाइजर का है। सो कोई भी इशू जब आप समझोगे, ध्यान देके, यू नो, यू थिंक अबाउट इट एंड से बस कहां प्रॉब्लम है, पहले प्रॉब्लम समझो तो सोल्यूशन अपने आप नजर आएगा। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है, ये टैंक के लिए क्या लगता है सोल्यूशन है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है, ये टैंक रिस्केप करना है, ये सॉइल निकालना है, नया सॉइल डालना है। अगर हमने सेम स्केप रखना भी है फिर भी सॉइल बदल सकते हैं, तो आपके लिए तो फायदा हो गया। तो एक रीस्केप का वीडियो तो बनने वाला है, होपफुली बहुत जल्दी बनेगा, तो देखते हैं। नाउ ये टैंक का प्रॉब्लम हमने देखा, ओके, नाउ टेम्पररीली जब तक हम रीस्केप करते हैं, एल्गे तो निकालेंगे ना, उसको साफ तो रखेंगे, जितना हो सकता है करेक्ट करेंगे, एंड जब रीस्केप के लिए आएगा तो रीस्केप करने वाले हैं, ओके, तो देख लो मेंटेनेंस कैसे होता है, एंड यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड कि अगर आपके टैंक में हेयर एल्गे है तो उसको कैसे इजिली निकाल सकते हैं। सो आपने अभी देखा कि ये जितने भी ग्रीन वाले एल्गे हैं, ग्रीन स्पॉट, ग्रीन डस्ट या ग्रीन हेयर एल्गे जो है, क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है एंड उसका कंट्रोल क्या है। नाउ मैं आशा करता हूं कि ये जितने भी पॉइंट्स है आपके लिए हेल्प होंगे एंड आप अपने टैंक में एल्गे को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, टैंक को अच्छे बैलेंस में रख सकते हैं एंड आपका भी हेल्थी प्लांटेड एक्वेरियम या कोई भी एक्वेरियम होगा, ओके। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा केयर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, मुंबई का सबसे बड़ा पैलोडेरियम, बहुत अमेजिंग अमेजिंग चीजें, बहुत बहुत मजेदार चीजें मैं दिखाने वाला हूँ। वीडियो बन रहा है, आप जुड़े रहो, बने रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मजा करो, एंजॉय करो, बाय बाय।